फुफू को मत बताइयो, ठीक है? फुफू को मत बताइयो, ठीक है? ठीक है? पर फैमिली गुड्डू कह रही है कि मम्मी आप रहने दो, मैं करूंगी व्लॉगिंग। और पूरी रात लाइट नहीं आई? नहीं, देखो ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, दिखाऊं? जल्दी आ, ये देखो गाइस। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी मैंने अपना नाश्ता किया है। मैं आपको क्या बताऊं, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद नाश्ता, डिनर, लंच, किसी भी चीज का कोई होश ही नहीं रहता। ऐसा लगता है बस खाने को टाइम मिल जाए। और बच्चों को पता है क्या होता है, जब भी हम लोग खाने बैठते हैं ना, जितनी भी मम्मीज हैं वो सब ये रिलेट कर पाएंगी, जब भी मम्मियाँ खाने बैठती हैं तभी बच्चों को या तो पॉटी जाना होता है या फिर उनका रोना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मुझे लगता है गुड्डू आपसे बातें करना चाह रही है। गुड्डू कह रही है हेलो फैमिली, मैं आपसे बातें करूँगी। तो अभी मम्मी नहाने गई हैं और दी को कुछ काम था, तो ये दोनों जो बच्चियाँ हैं मेरी, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है। अभी तो ये क्या क्या कर रही है, बस मैं भगवान से ये दुआ कर रही हूँ अभी उसकी क्या क्या शुरू ना हो जाए, क्योंकि दोनों की क्या क्या मेरे लिए मुश्किल संभाल। एक तरफ ही हो जाएगी, तरफ हो जाएगी, एक तरफ बानी, एक तरफ गुड्डू। मम्मी कैसे मानेगी गुड्डू, आप बड़े सिस्टर हो, आप समझदारी से एक्ट नहीं कर सकते? हाँ चुप हो गई, आप समझदार नहीं बन सकते? आपको जरूरी है बाप क्या 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 करना है? आपकी सिस्टर चुपचाप सो रही है ना, आप भी चुपचाप सो जाओ। ओके ओके। ये हमारी बानी बड़े आराम से प्यार से सो रही है, बस ये ऐसे ही सोते रहे अभी जब तक मम्मी नहीं आती नहा के। मैंने एक घंटे से ना अपने बराबर में ना बनाना रखा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, लेकिन ये जो आप सबकी महारानी है ना, ये आप सबकी गुडरू जो है गुडरू, ये मुझे बनाना भी नहीं खाने दे रही है। आप देख रहे हो फैमिली, मैं आपको गुड्डू की फ्रॉक दिखाने वाली थी। फैमिली आप गुड्डू की फ्रॉक देख रहे हो, पीछे से कितनी स्टाइलिश है, ये पता नहीं क्या बोलने में लगी हुई है। अच्छा ये बानी से बात कर रही है, बानी अब इसके सामने है ना, बानी से बात कर रही है। ये देखो अब है ना फैमिली, अच्छी है ना गुड्डू की फ्रॉक। ये मैंने इन दोनों को साथ में लिटा दिया है। ओए गुड्डू, बानी को लात मत मार दियो। बानी कितनी सी लग रही है गुड्डू के आगे, अभी एक टाइम पे गुड्डू कितनी छोटी सी लगती थी। गुड्डू गुड्डू देखो, सिस्टर से बातें करो, सिस्टर से बातें करो, देखो वो रही हो रही हो रही, देखो वो रही हो रही, बानी वो शो रही है, जिद्दी है क्या? हाँ क्या बोल रही है? अच्छा आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? तो फैमिली गुड्डू कह रही है कि मम्मी आप रहने दो, मैं करूँगी व्लॉगिंग, मैं स्टार्ट करूंगी व्लॉगिंग। देखो अभी भी हंस रही है ये ना, बड़ी चलाक है वैसे, पता है कि कब कैमरा ऑन हो रहा है कब क्या हो रहा है ना। हाँ मम्मी बोलती है कि ना बच्चों को ना बांध के सुलाना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से सोते हैं। तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि गुड्डू को ना गर्मी लगी बहुत ज़्यादा, तो मैं ना मम्मी को कहती हूँ मम्मी रहने दो ना, मत बांधने मत बांधने को। अब मम्मी ने ना बानी को बांध रखा है, वो बड़े अच्छे से मज़े से सो रही है। देखो फैमिली बानी कितनी शांति से सो रही है बनने के बाद। गुड्डू अच्छा मैं आपको बांधती नहीं, इसलिए आप मेरे को नहीं सोने देते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी दोनों प्यारी बेटियों को मैंने साथ में लिटा दिया है फैमिली, और मैं गुड्डू का रिएक्शन देखना चाह रही थी कि गुड्डू कैसे रिएक्ट करती है बानी को साथ में लेट के देख के। खुश हो रही है अपनी छोटी सिस्टर को देख के। तो देखो शेक हैंड्स करो, दोनों शेक हैंड्स, चलो ये गुड्डू और बानी के शेक हैंड्स। गुड्डू बानी हैंड शेक करो दोनों सिस्टर्स। अरे वाह बानी भी स्माइल कर ली है, गुड्डू भी स्माइल कर ली है, अरे वाह हमारी दोनों प्यारी बेटियां स्माइल कर ली है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगी बड़ो के, है ना? आप बानी का ख्याल रखोगे ना, बड़ी सिस्टर हो रखोगे छोटी सी बानी का ख्याल। फैमिली गुड्डू और बानी में बस 4 महीने का डिफरेंस है, और मुझे ऐसा अभी से लग रहा है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमारी जो बेटियां हैं ये बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगी, सारी बातें शेयर करेंगी एक दूसरे से और सारी गॉसिप्स करेंगी। और बहुत मैं चाहती हूँ दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो। जैसे मेरी कज़न है पूजा, उसका और मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। तो ऐसा होता है ना कि आपके जितने भी कजन्स होते हैं उसमें एक कजन के साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों का बनेगा, है ना बानी, है ना गुड्डू, है ना गुड्डू करी। हाँ हाँ बानी आप भी बोलो यस। ये जो हमारी यंगेस्ट दादी और नानी जो सामने खड़ी हैं, तो इनके बारे में आप कुछ शब्द अगर कहना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। मम्मी थोड़ा थोड़ा मतलब एक पोजेस और अच्छे अच्छे थोड़े साइड में क्या कोई कह सकता है कि दादी और नानी दोनों बन चुकी हैं इतनी छोटी उम्र की? बताओ हम मम्मी हम ही लग रहे हैं बड़े मम्मी के साथ के, तो आजकल है ना मम्मी हमारी हड्डियां चरमरा रही हैं। मम्मी अब अकेले अकेले जा रहे हो? ओ मतलब पापा के साथ और हम दोनों बच्चों को ले जाओ ना।
अपनी बेटियों को कितना भी प्यार से रखो, पूरे दिन लेके बैठे रहो, लेकिन जब पापा आते हैं ना तो बेटियां पापा के सामने ना आपको धोखा दे जाती हैं। इसका प्रूफ मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पतिदेव अभी ऑफिस से आए हैं और ये पतिदेव के सामने ना रोने लग गई है। अपनी क्या शिकायत कर रही है, खुशो कर रही है अपने पापा से। क्या हो गया? मम्मी ने मारा आपको? ओ, मैं क्यों मारूंगी गुड्डू को? मम्मी ने मारा आपको? मम्मी ने पीटा आपको? क्या हुआ? मैं क्यों मारूंगी गुड्डू? मम्मी ने गुच्छा किया आपको? कैसे गुच्छा किया? दुशुम मिल के नहीं कह रही पापा, क्या बताऊँ मैं, इतना जुल्म होता है मेरे साथ पीछे से। आपके साथ जुल्म हो गया? मम्मी ने जुल्म कर दिया। कैसे जुल्म किया? डेरी किया, बड़ा दे बेदर्दी। सरों में आग लग गई। ऐसा नहीं, क्या बात है, जरा हंस रही है यार, आग लग गई ट्रांसफार्मर में। मजाक कर लू ना? सही में? सही में लग गई? हाँ। तो आज पूरी रात लाइट नहीं आई? नहीं, अभी देखा था ठीक हूँ। ट्रांसफार्मर में आग लग गई यार, दिखाऊँ जल्दी? ये देखो गाइस, तो ये आग लग चुकी है और ये जल रहा है, पूरी आग, ये आग पकड़ ली है ट्रांसफार्मर ने। मुझे लग रहा है ये झाड़ियों में आग लगी, और झाड़ियाँ जो है सूखी झाड़ियाँ हैं, ये जल्दी सूख जाएंगी, मतलब जल्दी आग बुझ जाएगी। सो गाइस, लाइट जा चुकी है और अभी भी आग जो है वो बुझी नहीं है। यहाँ पर देखो आप, आई थिंक वो तार में आग लग गई है, तो जिसकी वजह से अब वो आग पकड़ ली है उसने, अब लेकिन बुझ नहीं रही। और यहाँ पर गुड्डा रो रही है, गुड्डा तो ये बैठी है, लेकिन गुड्डू रो रही है। ये कंफ्यूज हो गई है कि मुझे रोना है या मुझे ये देखना है। बेबी शार्क कहाँ गया? कोको मेलन कहाँ गया? अरे पापा कहाँ गए? वो तो कहीं गया पापा, लेकिन वो तो कहीं गए। तो फैमिली अभी लाइट नहीं आई है और गुड्डू रो रही थी क्योंकि गुड्डू को भी एसी चाहिए। तो अभी पतिदेव उसकी जो पंखा है ना, चाइनीज पंखा, उसको मैंने पानी में भिगोया है। पतिदेव गुड्डू की हवा कर रहे हैं और गुड्डू को मजा आ रहा है। गुड्डू को लगा फाउंटेन आ रहा है उसके बाद। फाउंटेन पानी डाल दिया पानी, जैसे करते हैं तो हल्की हल्की छींटे आती है, जैसे बारिश की छींटे आती है। अभी बारिश की छींटे गुड्डू पे आ चुकी है और गुड्डू आ रहे हैं मजे। ठंड लग गई है ना? ठंड कुछ